हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। आई एम शेयरिंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, इज इट विजिबल फॉर ऑल? यस, वी कैन सी। यस। ओके, so what thing we learn in yesterday's session, it's like as the basic thing is what you mean by data, what you mean by information, what is the traditional way to store the data. Okay, after that we learn about the what is the DBMS, RDMS and the timeline of the Oracle. Okay, this thing we covered in the last session. So after that, how we set your user, suppose we install the Oracle server on your system, then we try to insert the credential like as a Scott and Tiger, but account has been locked. So how we unlock the account? So for the unlocking the account, we need to connect your DBA user. This user is a system as sys DBA, password is a sys. Then after we apply the one command like alter, as a alter user Scott account unlock, then your user get altered, then we are able to connect to your Scott. And after that we are just getting the error like as your password is expired. So we reset the password and we are able to connect your server. So this screen is there. So after the applying the this all step and user account unlock, then reset the password, then we are able to connect to your Oracle Database 11g Enterprise Edition. Is it clear for all? Any concern, any doubt in a previous session? Anything? Yes, sir. All thing is clear? किसी को कुछ डाउट है, कुछ कंसर्न है प्रीवियस सेशन के बारे में कि सर ये चीज नहीं समझा? सो विल कवर द अगेन। होप सो देयर इज नथिंग, करेक्ट? यस और नो? यस और यस सर। सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट सीक्वल पार्ट। ओके, SQL, देखो अभी SQL क्या है ये हम लोगों को पहले जानना है। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मींस इट्स हैविंग द सम सिंटैक्स टू राइट द क्वेरी। हर चीज करने के लिए एक अलग अलग सिंटैक्स रहेगा, जैसे कि आपको डेटा इंसर्ट करवाना है, जैसे कि अगर आपको डेटा अपडेट करवाना है, मतलब वी हैव द सम डेफिनेशन रिलेटेड थिंग, वी हैव द डेटा मैनिपुलेशन, वी हैव द रिट्रायवल थिंग। ओके, टेलीग्राम ला तुम्ही परत टाकतो आणि मला व्हॉट्सअप ला नाही करा। One minute, actually someone is try to join the meeting but he facing the some issue. One minute, I just need to confirm what the issue.
देखो अभी ये SQL क्या है, एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, मतलब कि हम लोगों को एक क्वेरी लिखना है कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनानी है। ओके जैसे कि हम लोगों ने एक बनाया था कल कि एक यूजर लॉक है उसको अनलॉक करने के लिए यूजर अल्टर यूजर स्कॉट अकाउंट अनलॉक। ओके देखो अभी भले ही SQL एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है लेकिन ये वाला कमांड देखिए पहले। ठीक है ये कमांड में क्या है, जैसे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए अल्टर, अल्टर करना मतलब वी नीड टू चेंज समथिंग, यस और नो? यस। ओके अल्टर यूजर, क्या अल्टर करवाना है यूजर, कौन सा स्कॉट, उसका क्या करना है अकाउंट अनलॉक करवाना है। इट्स अ सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट, इट इज द इजीएस्ट थिंग कि आपको ये ऑपरेशन करना है तो आप क्या यूज करोगे। मुझे एक यूजर का अकाउंट अनलॉक है उसे अनलॉक करवाना है तो मैं क्या करूंगा, अल्टर कौन सा यूजर है, यूजर का नाम और उसका क्या चीज होने वाला है, अकाउंट अनलॉक करवाना है। इट्स अ सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है ये वाला चीज? ओके नाउ देखो अभी SQL क्या है, इट्स अ स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, मतलब हम लोगों को इस तरीके से क्वेरी लिखने हैं, ये इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, इट्स हैविंग सम सिंटैक्स, ये वही सिंटैक्स फॉलो करके हम लोगों को डेटा ऑपरेशन मैनिपुलेशन करने हैं, डेटा रिट्रायवल करना है, उसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ओके देखो SQL इज एन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, आप कहीं पे भी क्वेरी लिखो, कौन से भी स्टेप पे लिखो तो वो क्वेरी का आउटपुट मिलेगा। सो व्हाइल राइटिंग द क्वेरी हम लोगों को उसके सिंटैक्स के बारे में सोचना है, लेकिन उसके नीचे कि आपने उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को स्ट्रक्चर मींस क्या, देखो बेसिकली अगर हम दूसरी लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं तो वी हैव द लाइक एज अ कि हम लोग कुछ डिक्लेयर करेंगे देन फॉलो द नेक्स्ट स्टेप देन फॉलो द नेक्स्ट स्टेप। ओके तो वो क्या होता है, एक स्टेप, मतलब इट्स फॉलोइंग द वन प्रोसेस। ओके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो वेरिएबल के ऊपर कुछ कंडीशन चेक करवाया, देन वी गो एंड अप्लाइंग द और डिस्प्ले द दैट वेरिएबल। तो ये क्या होता है कि वी आर फॉलोइंग द स्टेप, तो ये क्या होता है कि आप एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, लेकिन SQL के अंदर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है बट यहाँ पे आपको कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, आप एक सिंपल सा क्वेरी लिखोगे तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा, नो नीड टू राइट अ होल प्रोसीजर। अगर आपको आपने जावा में देखा होगा, सी में देखा होगा, सीपीपी में देखा होगा, इवन हम लोग पीएल SQL में भी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ओके एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, लेकिन पीएल SQL इज एन द non-procedural language which is used to operate the all relational databases. अभी all relational databases, मैंने आपको कल ये चीज बताया था कि we have the Oracle, we have the Teradata, we have the Azure, we have the lot of servers. Okay, आप लोगों के पास बहुत सारे application है, लेकिन उसके बीच एक चीज common है, it's called as a SQL. मतलब जितने भी relational database अभी भी हम लोगों के पास है, मतलब हम लोग गोइंग फॉरवर्ड जितने भी इन फ्यूचर आप लोग जितने भी रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करोगे तो वहां पे आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, इट्स अ SQL, एंड SQL इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू ऑपरेट द ऑल रिलेशनल डेटाबेसेस। इज इट क्लियर कि यहाँ पे हम लोगों को कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, इट्स अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, भले ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। SQL means what? It's a structural query language, but it's a non-procedural. Structure किस लिए? कि हर चीज करने के लिए हम लोगों के पास कुछ particular syntax है, जैसे कि table create करना हो, table alter करवाने हो, table rename करवाने हो, या फिर आपके पास data insertion है, data updation है, data deletion है,
डेटा सिलेक्ट है, सो वी हैव द लॉट ऑफ क्वेरीज फॉर दैट, बट आप क्या करोगे यहाँ पे नॉन प्रोसीजरल है, मतलब एक सिंपल सा क्वेरी लिख के आप आपका काम कर सकते हो, नो नीड टू सेट द होल सेटअप ऑफ द स्क्रिप्ट, सो सिंगल क्वेरी आपका काम करेगा। यहां तक समझ में आया? ओके अभी देखो सीक्वल के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखना है। द फर्स्ट पार्ट इज यूर बी बी एल, ओके, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। अभी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, पहले देखो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट फिल्टर ड्रॉप ट्रंकेट एंड रीनेम, ओके। देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल कमांड्स हम लोग यहां पे क्रिएट करेंगे, अल्टर करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ट्रंकेट करेंगे, रीनेम करेंगे। चलो मैं आपको एक एक्सेल शीट पे एक चीज बताता हूं। सपोज आपको क्या करवाना है, एक टेबल बनाना है लाइक दिस, ओके। इसको आपने नाम दिया सपोज टेबल वन, एक्सेल शीट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपने उसको नाम दिया कॉलम को, सपोज कॉलम वन, देन कॉलम टू, देन कॉलम थ्री, देन कॉलम फोर, देन कॉलम फाइव, देन कॉलम सिक्स। अभी आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो, यस और नो? यहाँ पे कॉलम वन का वैल्यू, कॉलम टू का वैल्यू, कॉलम थ्री का वैल्यू, ओके। सेम चीज हम लोगों को डेटाबेस के ऊपर करनी है। एक्सेल शीट पे हम लोगों ने क्या किया, वी आर जस्ट डिफाइनिंग दी, ये एक्सेल शीट को एक नाम दिया या फिर एक पर्टिकुलर शीट को एक नाम दिया और उसके बाद यहाँ पे कॉलम डिफाइन करे और उसके बाद आप क्या करते हो इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करते हो। इट्स अ सिंपल थिंग ऑन एक्सेल, सेम थिंग हम लोगों को अचीव करनी है डेटाबेस के साथ। तो विद द हेल्प ऑफ द दिस क्रिएट कमांड वी आर क्रिएटिंग द टेबल विद द कॉलम। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द क्रिएट कमांड हम लोग क्या करेंगे, टेबल का नाम डिसाइड करेंगे, कॉलम का नाम डिसाइड करेंगे और वो कॉलम में किस तरीके का डेटा जाएगा। किस तरीके का डेटा मींस ये कॉलम में नंबर जाएंगे या कैरेक्टर जाएंगे या डेट्स जाएंगे और एनीथिंग अदर्स कुछ जाएगा, तो वो हम लोग क्रिएट कमांड में देखेंगे। अभी आपका ये चीज तो क्लियर हो गया कि आप टेबल बना सकते हो, उसके बाद आपको लगा कि ये कॉलम का नाम मुझे चेंज करवाना है, देन विद द हेल्प ऑफ द अल्टर मतलब एग्जिस्टिंग चीज के ऊपर आप लोगों को कुछ चेंजेस करवाने हैं, देन वी आर यूजिंग द अल्टर। बट अभी क्या हुआ कि आप लोगों ने अल्टर करवाया, क्रिएट करवाया, बट ये टेबल का आपके पास कोई स्कोप नहीं है, ओके। ये टेबल का आपके पास कोई स्कोप नहीं है, तो आप क्या करोगे उसको ड्रॉप करोगे। वंस यू ड्रॉप दिस टेबल ये आपका सिस्टम से परमानेंटली निकल जाता है, ओके। उसके बाद ट्रंकेट, कि आपने इसके अंदर जो भी डेटा डाला हुआ है वो डेटा आपको नहीं चाहिए, परमानेंटली आपको नहीं चाहिए, बट आपका स्ट्रक्चर जो बनाया है आप लोगों ने ये आपको एज इट इज चाहिए, ओके। या फिर आपको ये टेबल का नाम पसंद नहीं है तो आप उसको रीनेम करो, या फिर कॉलम का नाम पसंद नहीं है इसको रीनेम करो। पसंद नहीं मतलब क्या है कि एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट कि उनको टेबल का नाम चेंज करवाना है या फिर उनको क्या करवाना है कॉलम का नाम चेंज करवाना, आपके मन से आप कुछ नहीं करोगे। वी हैव द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, आपके पास एक सीआर आता है, इट्स अ चेंज रिक्वेस्ट, वो उसमें बोला जाता है कि वी हैव दिस टेबल, वी नीड टू रीनेम द दिस टेबल, तो आपको क्या करवाना है रीनेम करवाना है। ये चीज समझ में आया? मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, वी गो विद द वन बाय वन, नो वरी अबाउट दैट, कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हर एक कमांड को बाय हार्ट करवाना है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग किसी ने बोला कि बॉस एक टेबल क्रिएट करो तो क्रिएट करना आना चाहिए, यस और नो? सर ट्रंकेट से परत सांगता का तू? नो नो नो, आई जस्ट गोइंग टू ओवरव्यू, सो आफ्टर दैट वी गो विद द ईच एंड एवरी कमांड, नो वरी अबाउट दैट। हर एक कमांड कैसी लिखी जाती है, क्या स्कोप है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। बट पहले ये समझ लो कि आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज
के अंदर मतलब डीडीएल के अंदर क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट एंड रीनेम वाली चीज आती है, ये चीज समझा? यस ओके। उसके बाद आता है आपके पास डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अभी देखो आपने क्या करवाया, एक स्ट्रक्चर बनवाया, उसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर मॉडिफिकेशन करवाए, ट्रंकेट करवाए, रीनेम करवाए, मतलब आपका ये जो पूरा सेट है ना ये वाला, ओके ये वाला जो सेट है ना ये कंप्लीटली बन गया है एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी इसके अंदर आपको डेटा डालना है, डेटा अपडेट करवाना है, डेटा डिलीट करवाना है, या फिर कोई मर्ज ऑपरेशन चलवाना है। तो डीएमएल के अंदर ना हम लोगों को चार ऑपरेशन मिलते हैं। एक होता है आपका इंसर्ट ऑपरेशन, सेकेंड वन इज योर डेट ऑपरेशन, थर्ड वन इज द डिलीट ऑपरेशन एंड फोर्थ वन इज द मर्ज ऑपरेशन। देखो अभी इंसर्ट, देखो उसके नाम में ही उसका मीनिंग है, इंसर्ट यूज करके हम लोग ये टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। देखो सिंपल एक्सेल शीट में आप मैन्युअली जाके यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं बराबर, तो यहाँ पे सीक्वल के अंदर आपको यूजिंग द क्वेरी वी नीड टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल। आपने अभी कुछ रिकॉर्ड डाले इस तरीके से, वन बी सी डी, ओके इस तरीके से डेटा डाला आपने, एक डेटा इंसर्ट हो गया। बट इन फ्यूचर अगर आपको क्या करवाना है कि ये डेटा को आपको कुछ अपडेट करवाना है, मतलब यहाँ पे जी है मुझे यहाँ पे ना एच चाहिए, आप यहाँ पे डायरेक्टली मैन्युअली जाके करते हो, बट यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ यूजिंग सम क्वेरीज कि हम लोग क्या करेंगे इसको अपडेट करेंगे। ओके अभी यहाँ पे सपोज मेरे पास इस तरीके का डेटा है, ओके इन फ्यूचर आपको क्या लगा कि मुझे ना ये सेकंड एंट्री वाला जो डेटा है ना मुझे नहीं चाहिए, तो आप विद द हेल्प ऑफ द डिलीट उसको डिलीट करवा सकते हो। यहाँ पे देखो ट्रंकेट में क्या होता है कि वी आल्सो डिलीटिंग द डेटा परमानेंटली, तो यहाँ पे डेटा परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, आप उसको रोल बैक कर सकते हो। ट्रंकेट देखो डीडीएल कमांड्स आर द ऑटो कमिटेड, ये जो चीज होती है डीडीएल कमांड क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट रीनेम, दीज आर द ऑटो कमिटेड, मतलब ऑटोमेटिकली सब चेंजेस सेव हो जाता है। तो यहाँ पे आपने जैसे ही ट्रंकेट चलाया तो आपका सारा डेटा चला जाएगा परमानेंटली, बट ये जो डीएमएल कमांड जो होती है ये ऑटो कमिटेड नॉट ऑटो कमिटेड। These are the not auto committed commands, insert, update, delete and merge. This not auto committed. आप अगर delete करते हो तो उसको roll back कर सकते हो, okay? उसके बाद आता है आपका यहाँ पे DRL, it's also called as a DQL, data retrieval language और data query language. इसके अंदर आपका सिर्फ select statement है, but इसके अंदर एक ही query है, एक ही statement है, बट आपका सीक्वल का 80% काम ना ये आपका सिलेक्ट करवाता है। गोइंग फॉरवर्ड सबसे ज्यादा काम आपका सिलेक्ट में होता है, क्योंकि आपका डेटा सेट रहेगा कंप्लीटली प्रॉपर सेट किया जाएगा, आपके स्ट्रक्चर सेट रहेंगे। इन फ्यूचर अगर आपको वो डेटा के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द दिस डेटा, यहां से आपको कुछ निकालना है तो आपको यूज करवाना पड़ेगा सेट सिलेक्ट, ओके। उसके बाद है TCL कमांड, उसके बाद है आपके पास TCL कमांड, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, इट्स अ ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर है कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ओके। अंडर द TCL कमांड वी हैव द थ्री कमांड्स, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। कमिट इज नथिंग बट द सेव, रोल बैक इज नथिंग बट द अंडो। व्हाट इज द अंडो ऑपरेशन? अंडो ऑपरेशन क्या होता है? जो भी एक्शन लिया था वो रिवर्स करने के लिए, रिवर्ट करना है, तो रोल बैक भी आपका सेम काम करेगा। सपोज मैंने क्या करवाया, ये रिकॉर्ड को यहां से डिलीट करवाया, ओके
यहां से डिलीट करवाया, तो मैंने अगर रोल बैक चलाया तो यहां से ये क्या होगा, वापस रिवर्ट हो जाएगा। ओके, एंड सेव पॉइंट क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, देखो आपने इंसर्ट करवाया, आपने डिलीट करवाया, मल्टीपल प्रोसी मल्टीपल क्वेरीज आपने एक ही जगह पे लिख दिया और उसको डायरेक्टली रोल बैक किया, तो ये सारे चेंजेस रिवर्ट हो जाते हैं। बराबर, रोल बैक का मीनिंग क्या है कि जो भी चेंज हुआ है उसको वो क्या करेगा, रिवर्ट करेगा। बट सेव पॉइंट क्या है कि अगर आपने सेव पॉइंट लगाया तो वहां पे क्या होता है कि वो वहां तक ही वो क्या करता है, उसको रोल बैक करता है। इन डिटेल हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, बट यहां तक समझ में आया, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल में कमिट किया जाएगा, रोल बैक किया जाएगा, सेव पॉइंट। देखो बेसिकली ना यहाँ पे क्वेश्चन होता है, ओके, विच आर द सीक्वल स्टेटमेंट, विच आर द सीक्वल स्टेटमेंट। देखो सीक्वल स्टेटमेंट क्या है कि वी हैव द डीडीएल, डीएमएल, डीआरएल, टीसीएल एंड द लास्ट वन इज द डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। Under that we have the some grant and revoke. Grant मतलब कुछ action perform करने के लिए कुछ limitation होते हैं, तो उसका grant लेना पड़ता है हम लोगों को DBA से। This is the part of the DBA. Okay. अगर कुछ permission लेने हैं then we are using the grant. अगर कुछ permission निकाल लेने हैं user से तो then we are using the revoke. ये चीज समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यस यस सर। ये हम लोग वन बाय वन ईच एंड एवरी कमांड हम लोग करेंगे। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ SQL कि आपको टेबल क्रिएट करना आना चाहिए, अल्टर करना आना चाहिए, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये सारी कमांड आपको आनी चाहिए एनी हाउ और इजी है। ओके, अभी उसके बाद एक और एक चीज होता है, डेटा टाइप। जब आप इस तरीके से कॉलम बनाते हो तो आपके कॉलम वन में किस तरीके का डेटा जाना चाहिए, कॉलम टू में किस तरीके का डेटा जाना चाहिए, कॉलम थ्री के अंदर किस तरीके से डेटा जाना चाहिए। मतलब अगर आपने कॉलम वन के अंदर सिर्फ नंबर ही जाने चाहिए और आप इंसर्ट कर रहे हो ए, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो कॉलम वन के अंदर भी आपका नंबर जाना चाहिए, कॉलम टू के अंदर सिर्फ अल्फाबेट ही जाने चाहिए, कॉलम थ्री के अंदर सिर्फ डेट वाला डेटा जाना चाहिए, कॉलम फोर के अंदर सिर्फ आपका नंबर जाना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को कुछ वैलिडेशन टाइप थिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज है कि हम लोग सबसे पहला काम करेंगे डेटा टाइप के ऊपर। देखो डेटा टाइप मीन्स क्या होता है कि डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा विद इन अ टेबल कॉलम। मतलब वो टेबल के कॉलम के अंदर किस तरीके का डेटा जाएगा ये डिसाइड करता है आपका डेटा टाइप। ओके, समझ में आया? देखो ये चीजें वापस करने वाले हैं, बट डेटा टाइप, देखो डेटा टाइप क्या करेगा कि इट्स आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ डेटा विद इन अ टेबल कॉलम। मतलब कॉलम वन के अंदर क्या डेटा है, कॉलम टू के अंदर किस तरीके का डेटा जाएगा। अभी आप मुझे बताओ कि डेटा किस किस टाइप का हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी हैव, डेटा किस तरीके से होगा, कैरेक्टर, नंबर, कैरेक्टर होगा, नंबर, नंबर होगा, डेसिमल होगा, अल्फा न्यूमेरिकल भी होगा ना, यस सर, राइट सर, डेट भी होगा, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, प्लॉट, प्लॉट, इस तरीके का डेटा होगा। कैरेक्टर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकता है। इसके अलावा किस तरीके का डेटा होगा आपके पास, सिंबल आ सकते हैं ना सर, क्या फ्लोट नंबर भी आ सकते हैं ना, मतलब वन से डेटा डेसिमल फ्लोट, ओके इट्स अ डेसिमल। इसके अलावा किस तरीके का डेटा होगा आपके पास, मंथ डे वीक का डेटा होगा, व्हाट मंथली डेटा, मंथली हो सकता है ना, व्हिच काइंड ऑफ डेटा, मंथली वीकली, मंथली वीकली मींस इट्स इन अ डेट फॉर्मेट ना,
monthly weekly means what kind of data you want to say? I'm talking about the column, I'm not talking about the whole data. Okay, मुझे इस कॉलम में सिर्फ कैरेक्टर चाहिए, इस कॉलम में सिर्फ मुझे नंबर चाहिए, इस कॉलम में मुझे सिर्फ डेसिमल चाहिए, इस कॉलम में मुझे सिर्फ अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, इस कॉलम में मुझे सिर्फ डेट चाहिए और इसमें सिर्फ नंबर चाहिए. तो ये डेटा किस तरीके का होल्ड करेगा, कॉलम किस तरीके का डेटा होल्ड करेगा? अगर मैंने ये कॉलम का डेटा टाइप नंबर सेट किया तो ये कॉलम में आपका अल्फाबेट जाएगा क्या? नहीं जाना चाहिए ना? नहीं सर. तो यहाँ पे आपका 2 जाएगा, यहाँ पे आपका 3 जाएगा, यहाँ पे आपका इस तरीके से डेटा जाएगा क्या? अल्फा न्यूमेरिकल नहीं जाएगा ना. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप. जो आप बोल रहे हो कि वीकली डेटा है, मंथली डेटा है, तो ये टेबल पूरा जो जिस तरीके का डेटा होल्ड करेगा, इट्स आइदर मंथली डेटा होगा, वीकली होगा, डेली होगा. बट बिफोर दैट कि वो टेबल के अंदर जो कॉलम है उसका डेटा टाइप हम लोगों को देखना पड़ेगा. करेक्ट. अभी ये कौन डिसाइड करता है कि बॉस मैंने एक टेबल बनाया और ये कॉलम का देखो, दिस इज द कंप्लीटली बीआरडी बिजनेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कि आपका टेबल का नाम क्या होगा, आपका कॉलम का नाम क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा और उसका साइज क्या होगा. ये आपका बिजनेस डिसाइड करता है. और आपके पास एक बीआरडी आती है, बिजनेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसके अंदर मेंशन होता है कि टेबल का नाम क्या होगा, कॉलम का नाम क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा और उसका साइज क्या होगा. ओके, ये सारा उसमें रहता है, सिर्फ आपको डिजाइन करवाना है. क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या होगा, इनटू ब्रैकेट कॉलम का नाम क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका साइज क्या है, सिर्फ आपको क्वेरी लिखनी है. आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है. दे आर प्रोवाइडिंग यू बीआरडी और बीआरडी के अंदर आपको वो क्या मिलता है, वो डॉक्यूमेंट मिल, डॉक्यूमेंट के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलती है. टेबल का नाम मिलता है, कॉलम का नाम मिलता है, डेटा टाइप क्या होता है, साइज क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पे रहेगी. और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करवाना है, डेटा को, वो टेबल को बनाना है. वंस यू क्रिएट दैट टेबल, देन एंड यूजर इंसर्टिंग द डेटा इनटू दैट टेबल. आपको भी इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा. एज अ डेवलपर वी आर नॉट गोइंग टू इंसर्ट, बट एटलीस्ट वी नीड टू नो हाउ टू डेटा इंसर्ट इनटू द टेबल. करेक्ट. देखो किस तरीके का डेटा टाइप होगा, कैरेक्टर, किस तरीके का डेटा आ सकता है हम लोगों के पास. इधर कैरेक्टर आएगा, नंबर आएगा, डेसिमल आएगा, अल्फा न्यूमेरिकल आएगा, डेट फॉर्मेट में डेटा आएगा. करेक्ट. तो ये हम लोगों को देखना है कि ओरेकल के अंदर हम लोगों के पास क्या क्या डेटा टाइप है. बेसिकली द सिंपल डेटा टाइप इन ओरेकल, फर्स्ट वन इज द नंबर, हैविंग द प्रिसाइज एंड स्केल. ये नंबर ही आपका डेसिमल का काम करेगा इफ यू प्रोवाइडिंग द प्रिसाइज एंड स्केल वैल्यू. उसके बाद दूसरा डेटा टाइप है हम लोगों के पास, इट्स अ कैर. ओके, इसके अंदर आप लोगों को और दो चीजें मिलेगी. एक होता है आपका वेर कैर और दूसरा होता है आपका वेर कैर. ओके, थर्ड वन एंड लास्ट इज डेटा टाइप इज अ डेटा टाइप. Okay, now we are working on a number data type. Okay, देखो number data type, precise and scale. We having the two parameters. Okay, देखो अभी इसको बनाते कैसे हैं? जब आप table बनाते हो, column name, okay. आपका डेटा टाइप जो भी है, सपोज नंबर और उसका साइज दिया, सपोज 20, मतलब ये कॉलम में किस तरीके का डेटा जाएगा, कॉलम के अंदर किस तरीके का डेटा जाएगा, नंबर, और वो नंबर का मैक्सिमम साइज कितना होगा, 20. करेक्ट. ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं. कॉलम नेम नंबर 7, प्रिसाइज एंड स्केल का वैल्यू दिया, मतलब होल नंबर का साइज कितना होगा, 7.
और अपटर डेसिमल कितना होगा? टू. ओके, मतलब यहां पे आपका डेसिमल एंड फ्लोट का थिंग कवर हो गया. अगर आप देखो, सपोज होल नंबर का साइज है 1, 2, 3, 4, 5, 23, इस तरीके का डेटा ये होल्ड कर सकता है. मैक्सिमम साइज इज 7, जो आपका प्रिसाइज का साइज होता है ये वाला. ये जो प्रिसाइज का साइज है ना, ये होता है आपका होल नंबर का साइज, और आफ्टर डेसिमल आपको कितने डिजिट तक जाना है, आप कितने डिजिट तक जा सकते हो ये सिनेरियो में. तो ये आपका फ्लोटेड वैल्यू बनेगा. यस. और डेसिमल एज अ फ्लोटेड एज अ डेसिमल बनेगा. ये डेसिमल या फ्लोटेड आप इसको बोल सकते हो नंबर के इस तरीके से, अगर आपने प्रिसाइज एंड स्केल डिसाइड किया तो. चलो मैं आपको ना एक टेबल क्रिएट करके दिखाता हूं. देखो, क्रिएट टेबल. सपोज मैंने बनाया डेमो 14. ओके, क्रिएट टेबल डेमो 14 इनटू ब्रैकेट. यहां पे आपको देना है कॉलम का नाम. सपोज मैंने दिया कॉलम का नाम एज अ सैलरी. ओके, अभी कॉलम का नाम आपका क्या है? सैलरी. ओके, उसके अंदर उसका डेटा टाइप क्या होगा? सैलरी कौन से फॉर्मेट में आएगी आपके? आइदर इट्स अ नंबर और अ फ्लोटेड. नंबर आएगा क्यों फ्लोट आएगा? क्योंकि आपका सैलरी सपोज 80,000 पॉइंट समथिंग आएगा. करेक्ट. तो नंबर साइज ऑफ भी देखो, 80,000 में कितना डिजिट आता है? सपोज 80,000 में कितना डिजिट आता है? 5. तो 80,000.23 बनाना है ये इसके अंदर. मतलब 7, 2 आपका साइज बन गया. टेबल क्रिएट बन गया. टेबल क्रिएटेड. ओके, अभी इसको हम लोग करेंगे डिस्क्राइब. आप पूरा डिस्क्राइब डालो, आप फिर ESC भी डाल के भी चेक कर सकते हो. डिस्क्राइब डेमो. यही चीज बनाया हम लोगों ने. सर कॉलम का नाम मेरा सैलरी है और उसका डेटा टाइप क्या है? ये होता है, we are finding the structure of the table. Okay, चलो go to the concept again. अभी नंबर का जो मैक्सिमम साइज जो होता है ना, नंबर का मैक्सिमम साइज जो होता है, इट्स अ 38 बाइट होता है. मैक्सिमम साइज होता है 38 बाइट. मतलब आप किसी भी कॉलम को अगर नंबर बनाया, उसका मैक्सिमम साइज है ना सिर्फ 38 डाल सकते. आपने 39 भी डाला सो इट नेवर वर्क. नंबर का मैक्सिमम साइज जो होता है वो क्या होता है? आपका 38. ये चीज ध्यान में रखो, नंबर का मैक्सिमम साइज जो है 38 होता है. चलो मैं आपको इसके अंदर ना एक डेटा भी इंसर्ट करके दिखाता हूँ. वैल्यूज मैंने यहाँ पे आपका वैल्यू डाला इस तरीके से. यहाँ पे क्या हुआ? अपना मैक्सिमम साइज कितना है? 7. ओके, बट आप लोगों ने क्या किया, पूरा प्रिसाइज का वैल्यू ही 7 डाल दिया. डेसिमल का वैल्यू भी डालना चाहिए था. हम लोग वापस देखेंगे, अभी आपको समझने के लिए मैं डाल रहा हूँ. किसी का सैलरी इस तरीके से आया, वो गया डेसिमल में स्टोर. इस तरीके से अगर आपका वैल्यू इंसर्ट होने वाला है विद द डेसिमल, देन आप लोगों को प्रिसाइज एंड स्केल करवाना. ओके, अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं. देखो नंबर डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया?
इट्स होल्डिंग द नंबर ओनली. नंबर डेटा टाइप क्या करेगा, इट्स होल्डिंग द नंबर ओनली, इट हैविंग द प्रिसाइज एंड स्केल ओनली. सपोज वी आर प्रोवाइडिंग द प्रिसाइज एंड स्केल वैल्यू, तो नंबर आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके उसके बाद मैंने क्या किया, नंबर डेटा टाइप का मैक्सिमम साइज कितना है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ नंबर, 38 बाइट. ये चीज ध्यान में रखो. देखो yes, अगर आपको किसी भी कॉलम में नंबर सेव करवाने हैं तो वो कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, नंबर. अगर आपको डेसिमल या फ्लोट वैल्यू स्टोर करवानी है देन नंबर के अंदर हम प्रिसाइज एंड स्केल यूज करेंगे. ओके और तीसरा चीज मैंने बताया कि आपका नंबर का मैक्सिमम साइज जो होता है वो क्या होता है, समझ में आया? नंबर का मैक्सिमम साइज 38 बाय डी आप कहां तक काउंट कर सकते हो, मुझे एक चीज बताओ. 1 के ऊपर 37 जीरो मतलब व्हाट इज द अमाउंट, 1 के ऊपर 37 जीरोस मतलब अमाउंट क्या हुआ, रीड करो क्या होगा. क्या होगा, वी आर नॉट एबल टू कर सकते सर. तो नंबर का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है आपका, 38 है. ओके इसलिए उसका मैक्सिमम साइज 30 है. और ओरेकल सर्वर ने ये डिजाइन करके दिया है, दिस आर द इनबिल्ट डेटा टाइप, कि उसका मैक्सिमम साइज 38 तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता, इनबिल्ट फंक्शनल है. और बेसिकली इन जनरल वी आर थिंकिंग लाइक दैट कि इसका साइज 38 ही क्यों है. तो वहाँ पे क्या है कि अगर 1 के ऊपर मैंने 37 जीरोस डाल दिए तो क्या होगा, आर यू एबल टू रीड दिस, नो means this is the last point of the counting or reading the that number, that's why the size is 38. clear? yes sir. अभी उसके बाद है हम लोगों के पास next data type is a char. char के अंदर क्या होता है, it is used to store the fixed length alphanumerical data, fixed length alphanumerical data. और इसका देखो फिक्स लेंथ अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, ये क्या करता है, आपका फिक्स लेंथ अल्फा न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करता है और इसका मैक्सिमम साइज होता है 2000 बाइट. अभी आप ये भी बोलोगे सर इसका 2000 बाइट ही क्यों है, दिस इज द ओरेकल डिजाइन, यहां पे कोई लॉजिक नहीं है. ओके The fixed length alphanumerical data, आपका जो char data type होता है, it's storing the alphanumerical data, but it's a fixed length and उसका maximum size होता है आपका 2000 byte. मतलब अगर आपने column name char लगाया, आप यहाँ पे कितना maximum लगा सकते हैं, 2000 byte. Okay. यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, 2000 बाइट. तो सपोज मैंने कॉलम का नाम बनाया एफ नेम कैर और साइज दिया 100, मतलब कितने अल्फाबेट ये फर्स्ट नेम में हो सकते हैं मैक्सिमम, बताओ. 100. ओके अभी यहाँ पे और एक डेटा टाइप है, इट्स अ वैर कैर. अभी देखो वैर कैर क्या करता है, इट्स आल्सो सेम एज यूर सॉरी एक पहले मैं ना वैर कैर टू बताता हूँ, इट्स अ वैर कैर टू. ओके पहला है कैरेक्टर वाला डेटा अगर स्टोर करवाना है, देखो नंबर वाला डेटा स्टोर करवाना है तो वी हैव द टू सॉल्यूशन. एक सिंपल नंबर डेटा टाइप लो,
या फिर नंबर विद प्रिसाइज एंड स्केल करो। अगर कैरेक्टर वाला डेटा है तो पहला सोल्यूशन है कि सर हम कैर यूज करेंगे, बट इट्स अ फिक्स लेंथ अल्फा न्यूमेरिकल डेटा एंड मैक्सिमम साइज इज 2000 बाइट। अभी दूसरा है आपके पास वेर कैर टू, ओके, इट्स आल्सो स्टोरिंग द वेरिएबल लेंथ, ओके, इट्स आल्सो स्टोर द वेरिएबल लेंथ। और इसका मैक्सिमम साइज है 4000 बाइट। ओके, सपोज आपको ये कॉलम के अंदर मोर देन 2000 बाइट डेटा जाने वाला है, एक रिकॉर्ड है जिसका साइज जो है वो 2000 बाइट से ज्यादा है। धमाल किसने किसने देखी है? धमाल मूवी किसने देखा? यस सर, यस सर। When they traveling from the to Goa, then the person is telling the name. That's वो सीन आप लोगों ने देखा है? Yes sir. बड़ा वाला नाम बताता है। तो अगर उसका नाम ये कॉलम में मुझे स्टोर करवाना है तो आपका 2000 बाइट काम में आएगा? Yes sir. नहीं आएगा ना, because उसका जो रिकॉर्ड का लेंथ है वो 2000 बाइट से आगे जा रहा है, करेक्ट? तो वो सिनेरियो में आपको क्या लगेगा? 4000 बाइट, करेक्ट? यस सर, यस सर। अगर आपने क्या किया, वो कॉलम का साइज 2000 बाइट ही डिसाइड करवाया और वो बंदा आया और उसने उसका नाम डाल दिया, तो क्या होगा? वो नाम लेगा, इट्स अ टू लॉन्ग, उसका जो नाम का लेंथ है वो बड़ा है, वो 2000 बाइट से ज्यादा है, तो वो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो चलो अभी ये वेरिएबल लेंथ और 4000 बाइट, चलो वो बंदे का नाम है सपोज मान लो 350 बाइट का, ओके, वो तो अभी वेरकर 2 में चला जाएगा, बट दूसरा बंदा आया उसका लेंथ सिर्फ 6 है सर। और आपने क्या किया है, देखो ये कॉलम का नाम सपोज नेम बनवाया मैंने, वेरकर 2 बनवाया, साइज मैंने दिया है 4000 बाइट, ठीक है? मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अभी देखो, अभी वो धमाल वाला बंदा आया, द फर्स्ट वन, ओके, धमाल वाला बंदा आया, उसने उसका नाम डाला, इट्स लाइक एज 3500 बाइट्स। अभी इसके अंदर जाएगा, ये कॉलम के अंदर जाएगा, यस, ओके। अभी उसके बाद मैं आया, मेरा नाम का लेंथ है 6, बट आपने कितना डाला हुआ है? 4000, मेरा 6 है, कितना डिफरेंस आया सर? इट्स अ वेरिएबल लेंथ। मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ व्हाई इट्स अ वेरिएबल लेंथ। देखो कॉलम का नाम आपका नेम है, उसका डेटा टाइप वेरकर 2 है, और उसका आपने साइज भी डिसाइड किया है कि सर इसका मैक्सिमम साइज 4000 बाइट होगा, ओके। अभी धमल वाला बंदा आया, उसने उसका नाम डाला, वो इट दिस नेम इज बिकेम एज 3500 बाइट का उसका नेम बैठ गया। अभी उसके बाद मैं आया, मेरा नाम डाला, वहां पे कितना हुआ सर? 6। तो यहाँ पे आपका वेस्ट ऑफ मेमोरी हुआ सर, हो जाएगा। तो अलोकेशन कितना हुआ है? 4000 बाइट। एक्चुअल यूज कितना हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना होगा सर? 3994 का क्या हुआ सर? इतना मेमोरी वेस्ट हो गया। ये चीज सही है, बेस्ट ऑफ मेमोरी? नो सर, नहीं। तो आपका जो वेरकर 2 है इट्स अ वेरिएबल लेंथ होता है, तो ये आपका एक मैकेनिज्म यूज करता है, यहाँ पे आपका वेस्ट ऑफ मेमोरी नहीं होने देगा, इट्स कॉल्ड एज अ पैडिंग मैकेनिज्म। ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, कोई सिखाएगा भी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटाबेस ऑल्सो हैविंग द सम मेमोरी,
कि आपके डेटाबेस के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट किया जाता है, जैसे आपके मोबाइल का स्टोरेज का एक मेमोरी होता है 120 GB, 256 GB, 64 GB, बराबर। तो अननेसेसरी अगर डेटा डालते जाओगे तो एक दिन ऐसा आता है कि इट्स बिकेम फुल। सेम डेटाबेस के लिए भी सम एलोकेशन किया जाता है, इट्स कॉल्ड एज अ टेबल स्पेसेस। टेबल स्पेसेस मतलब क्या होता है कि आपके DBA आपका डेटाबेस के लिए एक मेमोरी एलोकेट करके देते हैं, और ये भी बिजनेस डिसाइड करता है कि किस तरीके से डेटा आने वाला है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। देखो आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गूगल ड्राइव, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द गूगल ड्राइव राइट नाउ, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन किस, देखो 15 GB, करेक्ट। अगर आप 15 GB के आगे उसके ऊपर डेटा स्टोर कर सकते हो, नहीं। सेम आपके डेटाबेस के लिए सपोज उन्होंने 50 GB लगा के दिया, और इस तरीके से आप वेस्ट ऑफ मेमोरी होता रहा, ये 50 GB भर जाएगा सर, भर जाएगा। देखो आप इसी मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप की इमेज, एक दिन ऐसा होता है कि दे रहे थे, ये चीज अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बैरिकेड है। सो वेरिएबल लेंथ एंड इज वर्किंग ऑन द पैडिंग मैकेनिज्म। देखो पैडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, सपोज आपने एक कॉलम बनाया नेम, उसका डेटा टाइप लगाया वेरिकेड 2 और साइज दिया 10, ठीक है। अभी इसके अंदर आपका नेम जाने वाला है सपोज महेश, यश, नीलेश, अभी देखो, ओके। अभी आपका टोटल एलोकेशन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ओके। ये आपका टोटल एलोकेशन है मेमोरी का अप टू 10 byte। आपने क्या डिसाइड किया है कि मेरा कॉलम का नाम नेम होगा, डेटा टाइप वेरिकेड 2 होगा, और आपका 10 मैक्सिमम साइज कितना है, अभी यहाँ पे कितना है 10, ओके। अभी अगर मैं पहला रिकॉर्ड डाल रहा हूं महेश, तो यहाँ पे M A H E S H कितना मेमोरी एलोकेशन हुआ सर, कितना रिक्वायर्ड मुझे, 6। सपोज यश का डाला मैंने, कितना लगा सर इसको, 4। सपोज मैंने नीलेश का डाला, कितना हुआ सर, देखो इसका एलोकेशन कितना हुआ है, 6 हो गया। इसका कितना हुआ है, 4। और इसका कितना हुआ है, 6। देखो महेश का कितना हुआ, 6, मतलब यहाँ पे आपके 4 बाइट वेस्ट हो जाएगा, ओके नॉर्मल, ओके। यहाँ पे कितना बाइट वेस्ट होने वाला है, 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 4। अगर आप ये वेस्ट कब होता है, जब आपने यहाँ पे कैर लगाया, ओके। सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे कैर लगवाया, तब होता है आपका वेस्ट, मतलब इट्स अलोकेटिंग द होल मेमोरी फॉर द दिस 6 अल्फाबेट्स, मतलब जहां पे आपके 6 बाइट जाने वाले थे वहां पे कितने बाइट जाएंगे कैर के अंदर, कैर के अंदर वो 10 बाइट 10। यश के जहां पे 4 जाने चाहिए थे वहां पे कितने जाएंगे, 10। नीलेश के जहां पे 6 जाने वाले थे वहां पे क्या जाएंगे, 10। बट अगर मैं ये डेटा टाइप कैर 2 बनाता हूं, तो ये क्या करेगा, आपका पैडिंग मैकेनिज्म के ऊपर काम करेगा, जो वेस्ट ऑफ मेमोरी जो हो रहा था ना, ये होगा नहीं,
वो क्या करेगा, जितना चाहिए आपने भले उसको 10 लगाओ, 200 लगाओ, 1000 लगाओ, लेकिन जितना उसको चाहिए उतना ही एलोकेट करेगा। इट्स कॉल्ड एज अ पैडिंग मैकेनिज्म। मतलब क्या है कि अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना वो उसको रिलीज कर देता है। दैट्स व्हाई वायर कैन यूज द मोस्ट ऑफ सिनेरियो वी आर यूजिंग द वायर कैन। इसका साइज भी ज्यादा है पहला चीज तो, और ये पैडिंग मैकेनिज्म के ऊपर ही काम करता है। तो मोस्ट ऑफ सिनेरियो वी आर यूजिंग द वायर कैन। इज इट क्लियर? यस सर। देखो वायर कैन 2 के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इट्स अ वेरिएबल लेंथ, मैक्सिमम साइज इज दिस एंड इट्स वर्किंग ऑन अ पैडिंग मैकेनिज्म। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछी जाती है, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वायर कैर 2। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वायर कैर 2? देखो द कैर डेटा टाइप, इट्स अ फिक्स्ड लेंथ अल्फा न्यूमेरिकल, इट्स स्टोरिंग द फिक्स्ड लेंथ अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, एंड इन वायर कैर 2 इट्स स्टोरिंग द वेरिएबल लेंथ अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। Character having the maximum size is 2000 byte. Varchar 2 having the maximum size is 4000 byte. And your character char, it's not working on a padding mechanism, but your Varchar 2 is working on a padding mechanism. Abhi next question aata hai. What is padding? Mechanism. दो चीजें बताई मैंने। सबसे पहले मैंने आपको कैर सिखाया, कैर के अंदर इट्स अ फिक्स लेंथ अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, इट्स हैविंग द 2000 मैक्सिमम साइज इज 2000 बाइट। वायर कैर 2 के अंदर मैंने आपको एक चीज सिखाया, वेरिएबल लेंथ, और इसका जो मैक्सिमम साइज है ये 4000 बाइट है, और ये पैडिंग मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वायर कैर 2। बट देयर इज द वन मोर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस कि व्हाट इज द पैडिंग मैकेनिज्म। तो वो सिनेरियो में आपको क्या करवाना है कि वी नीड टू डिस्कस विद द इंटरव्यूअर, और वी नीड टू एक्सप्लेन टू द इंटरव्यूअर इन दिस मैनर। इज इट क्लियर? यस यस सर। ओके, ये क्वेश्चन बहुत सारे टाइम पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वायर कैर। बट अगर उसे लगा कि आपने यहाँ पे बोला कि इट्स वर्किंग ऑन अ पैडिंग मैकेनिज्म एंड इट्स नॉट वर्किंग ऑन अ पैडिंग मैकेनिज्म, तो वो आपको 101% पूछेगा व्हाट इज द पैडिंग मैकेनिज्म। तो आपको वो सिनेरियो में ये वाला चीज आपको उसको एक्सप्लेन करवाना है। क्लियर? यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? सर पैडिंग मैकेनिज्म एक बार मतलब बता दीजिए एक बार और। ओके फाइन। पैडिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी आर अप्लाइंग द कैर हियर, वापस से देखो, अगर मैंने डेटा टाइप मेरा कैर डिजाइन किया तो वो मैक्सिमम साइज कितना होल्ड करने वाला है? 10। ओके 10 बाइट, मतलब उसका एलोकेशन हो गया है अभी 10 बाइट का। अभी आइदर आप उसके अंदर 10 अल्फाबेट डालो या 4 अल्फाबेट डालो या 3 अल्फाबेट डालो, कुछ भी डालो, 10 से लेस डालो। ओके, तो वो क्या करेगा, अगर ये कैर है तो ये कितना मैक्सिमम कितना होल्ड करके रखेगा? 10। मतलब यहाँ पे ये जो 4 है ये क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे भी ये कितना होल्ड करके रखेगा, अगर आपका कैर डेटा टाइप है 10, यहाँ पे भी कितना होल्ड करके रखेगा 10। ओके, मतलब इधर आपका वहां पे 6 अल्फाबेट का स्ट्रिंग जाने वाला हो या 2 अल्फाबेट का, तो अगर आपका डेटा टाइप कैर है तो जितना भी आपने उसको डिजाइन में एलोकेट करके दिया है, मैक्सिमम साइज जितना भी सेट करके दिया है, वो उतना ही होल्ड करके चलेगा फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड, आइदर देयर इज द सिंगल अल्फाबेट और 10 अल्फाबेट। बट अगर आप यहाँ पे डेटा टाइप में कैर 2 सेट करते हो, ओके, अगर आप डेटा टाइप में वर्कर 2 सेट करते हो तो यहाँ पे कितना एलोकेशन होगा सर, मैक्सिमम 6, यहाँ पे कितना होगा 4, और यहाँ पे कितना होगा 6। मतलब ये जो अननेसेसरी चीजें है, ये जो रेड में दिख रहा है वो उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वेस्ट ऑफ मेमोरी
नहीं होगा। समझ में आया? ओके अगर कैर यूज करोगे तो जितना एलोकेशन हुआ है उतना वो हर एक रिकॉर्ड के लिए होल्ड करते चलेगा, बट आपने वेर कैर टू किया है तो वहां पे क्या होगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही एलोकेट होगा, बाकी का रिलीज कर देगा। अभी समझ में आया? यस सर। देखो यहाँ पे ना आपको कुछ लॉजिक लगाना है, आपको सिर्फ सेट करवाना है। आप कैर भी कर सकते हो, वेर कैर भी कर सकते हो, बट एज अ डेटाबेस इंजीनियर बैकएंड पे काम कर रहे हो तो दो चीजें होती है, आपको परफॉर्मेंस भी देखना है और आपको मेमोरी भी देखनी है। जितना मेमोरी के ऊपर लोड आएगा उतना परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, बराबर। देखो आपका सिंपल सा एंड्रॉइड मोबाइल है, अगर उसका स्टोरेज फुल हो जाता है, सम एप्लीकेशन इज नॉट सपोर्टिंग, होता है ना, एक एरर मैसेज आती है, क्लोज एरर, सॉरी क्लोज वेट सपोर्ट आता है ना जब आपका डिवाइस फुल हो जाता है तो, दिस प्रोग्राम इज नॉट वर्किंग फाइन, दिस एप्लीकेशन इज नॉट सपोर्टेड। द रीजन इज दैट कि आपका जो मेमोरी है फुल हो चुका है। बट अगर हम किसी डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं और वहां पे अगर इस तरीके का इश्यू आया तो वो डेटाबेस का मीनिंग है क्या सर? तो एज अ डेटाबेस इंजीनियर हम लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि सर हम वेस्ट ऑफ मेमोरी कैसे रोक सकते हैं और एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ओके आप कैर यूज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। आप वेर कैर टू यूज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। बट मेक श्योर कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर मैंने कैर यूज किया तो क्या होगा, अगर मैंने वेर कैर टू यूज किया तो क्या होगा, अगर मैंने इतना साइज लगाया तो क्या होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल इन जनरल बात करते हैं, सपोज मैंने क्या करवाया, एक कॉलम बनवाया लाइक एज अ डेजिग्नेशन, इसका डेटा टाइप क्या होगा सर बताओ? इसका डेजिग्नेशन क्या होगा, सॉरी डेटा टाइप क्या होगा? आप आइदर कैर ले सकते हो या फिर वेर कैर टू ले सकते हो। फॉर द गुड प्रैक्टिस वी गो विद द वेर कैर टू। ओके अभी मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमम साइज कितना लोगे? इतना लोगे 2000 बाइट, जरूरत है इसका? नो सर। आपका डेजिग्नेशन हार्डली इन 50 20, चलो हार्डली हम लोग मानते हैं कि आपका जो डेजिग्नेशन है हार्डली इन लाइक एज अ 25, तो आप उसको 2000 डिक्लेयर करके कुछ फायदा है क्या? नो सर। तो हम लोग जितना चाहिए उतना ही डिक्लेरेशन होगा ना। देखो जब हम आप लोगों के पास बीआरडी आती है, बिजनेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें सारी चीजें मेंशन की जाती है कि टेबल का नाम, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, साइज, तो इसीलिए वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ नहीं गलती से अगर किसी ने ज्यादा साइज इधर उधर कर दिया आपके मन से आप कुछ नहीं करोगे वहां पे, बट अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको बोला गया कि चलो आपको ये टेबल बनाना है तो आप इधर टेबल का नाम भी गलत कर सकते हो, इधर कॉलम का नाम भी गलत कर सकते हो, उसका डेटा टाइप भी गलत कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या किया, एक डेजिग्नेशन सेम कॉलम लेता हूं, डेजिग्नेशन एक कॉलम बनाया और उसका डेटा टाइप आपने डेट करवाया, फिर ये चलेगा क्या? डेजिग्नेशन इन द फॉर्मेट ऑफ डेट होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम लोग ये बीआरडी जब आता है तो वहां पे सारी चीजें मेंशन होती है कि टेबल का नाम, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, उसके बाद कंस्ट्रेंट, वो आगे है हम लोग सीखेंगे उसको, बट वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही हम लोगों को क्या करवाना है, ये सारी चीजों को प्रोसेस करवाना है। ओके आपके मन से कुछ नहीं होगा, आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप टेबल का नाम क्या करोगे, क्या बना सकते हो, नो, इट्स अ डिपेंड ऑन अ बिजनेस। टेबल का नाम भी वो देंगे, कॉलम का नाम भी वो देंगे, कैरेक्टर उसका डेटा टाइप भी वो देंगे, साइज भी देंगे, सिर्फ आपको क्या करवाना है मैं पता हूं, आपको सिर्फ ये वाला क्वेरी लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम उन लोग दे देंगे, कॉलम का नाम वो लोग दे देंगे, डेटा टाइप वो लोग दे देंगे, उसका साइज वो लोग दे देंगे, सिर्फ आपको लिखना है इतना चीज। अभी इजी है? इजी है? यस सर। यस सर। यस सर। आपको लिखना क्या है? यस ये टेबल इतना, उसके बाद जाओ वो बीआरडी से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो,
बीआरडी पे जाओ, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, हो गया सर कॉपी पेस्ट वाला ही काम। समझ में आया? यस सर। ओके, अभी इसके बाद कैरेक्टर के अंदर एक और चीज है, सर वैरकैर, ओनली वैरकैर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैरकैर 2। देखो, इट्स द सेम एज यूर वैरकैर 2, इट्स आल्सो स्टोरिंग द अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आपका वैरकैर 2 है, सेम आपका ये वैरकैर है, बट यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है साइज का, इसका मैक्सिमम साइज है 2000 बाइट। देखो वैरकैर का इट्स आल्सो वेरिएबल लेंथ, इट्स आल्सो वेरिएबल लेंथ, बट डिफरेंस इज दैट कि ये आपका कितना साइज होल्ड करेगा 2000 बाइट, और ये सॉरी ये कितना वैरकैर 2 कितना साइज मैक्सिमम साइज कितना होल्ड कर सकता है 4000 बाइट, और आपका जो वैरकैर है ये मैक्सिमम साइज करता है 2000 बाइट। सर फिर इसमें पैडिंग मैकेनिज्म भी होता है क्या? यस यस। ये क्या था कि प्रायर टू एक वर्जन था 7.0 था, ओके 7.0 से पहले ये वाला यूज करते थे वैरकैर, ओके उसके बाद जितने भी वर्जन आए उसमें वैरकैर 2 आ गया क्योंकि साइज बढ़ गया, ओके दोनों ही पैडिंग मैकेनिज्म के ऊपर काम करे, सिर्फ साइज का डिफरेंस है वहां पे, ओके। क्लियर? आप बोलोगे और एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे ढूंढे कि इसने कितना एलोकेशन किया, ये नहीं ढूंढ सकते सर, इट्स अ डिक्स ऑपरेशन, ये नहीं ढूंढ सकते हम लोग कितने कितना एलोकेशन किया, बट समझ में तो आएगा कि हाँ इतना एक अल्फाबेट मतलब एक बाइट है, साइज 10 बाइट डिक्लेयर हुआ है, ये चीज तो समझ में आ गए, आ जाएगा। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है? नो सर। अभी देखो नेक्स्ट थिंग, द लास्ट डेटा टाइप इज डेट, इसको कोई साइज भी कुछ नहीं होता, डेट को कोई साइज नहीं है। देखो इट इज यूज टू स्टोर द डेटा डेट्स इन टू द ओरेकल डेट फॉर्मेट, मतलब देखो अगर आपके पास आपके डीओबी स्टोर करवाने हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टोर करवाने हैं, तो वो सिनेरियो में आपको वो कॉलम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, मतलब जो डेटा डेट फॉर्मेट में आएगा, जो डेटा आपका डेट फॉर्मेट में आएगा उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों के पास क्या है, डेट डेटा टाइप। अभी आपके पास डेट फॉर्मेट में आने वाला डेट क्या क्या है, डेटा क्या क्या है डेट फॉर्मेट में, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डेथ, और क्या आता है, डेट ऑफ प्रोसेस, डेट ऑफ प्रोसेस स्टार्ट, डेट ऑफ प्रोसेस एंड। आप इंश्योरेंस डोमेन में चले जाओ, प्रीमियम डेट, प्रीमियम एक्टिवेशन डेट, प्रीमियम एंड डेट, स्टार्ट डेट, करेक्ट। आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, ट्रांजैक्शन डेट, सैलरी डेट, आता है ना? यस सर। आप लॉजिस्टिक में चले जाओ, डिपार्च डेट, अराइवल डेट, ओके आप टेलीकॉम में चले जाओ, बिल डेट, क्या क्या आता है, आता है ना इस तरीके से। और कौन सा डोमेन बचा, हेल्थ केयर में चले जाओ, हेल्थ केयर में चले जाओ, हेल्थ केयर में क्या होता है, पेशेंट एडमिट डेट, क्लेम रिन्यूअल डेट, डिस्चार्ज डेट, डिस्चार्ज डेट, विजिटिंग डेट, अपॉइंटमेंट डेट, और कौन सा डोमेन बचा, और कौन सा डोमेन बचा, इस तरीके के, इस तरीका का जो डेटा रहेगा ना तो ये आपका डेट फॉर्मेट में स्टोर होगा। देखो इट इज यूज टू स्टोर द डेट्स इनटू द ओरेकल डेट फॉर्मेट, देखो ओरेकल का डेट फॉर्मेट जो है ये बाय डिफॉल्ट है,
डीडी एमओ एंड वाई वाई, दिस इज द ओरेकल बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट। आपका जो डेट है यही फॉर्मेट में स्टोर होगा। अभी आप बोलोगे सर नहीं हमें तो ये डेट, आज का डेट क्या है 31 मई 2023, बराबर 31 मई 2023 इस तरीके से स्टोर करना है सर, मुझे नहीं, मुझे ना इस तरीके से नहीं चाहिए 31 मई 23, ये तरीका मुझे पसंद नहीं है सर, मुझे ना इस तरीके से चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ कन्वर्जन से वो हम लोग आगे देखेंगे, बट द इनिशियली स्टेज कि आपका डेट जो है यही फॉर्मेट में स्टोर होगा। ओके ओके क्लियर, किसी को कुछ दिक्कत है? नो सर। और ये डेट कैसे बनाते, देखो कॉलम नेम एंड योर डेट, इसको कोई साइज नहीं, क्लियर? यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है कि ये चीज नहीं समझा, वापस से बोलिए सर। सो विल आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ऐसा कोई चीज है कि जो नहीं समझा? नो सर। सर समझ में, आप बोलो सर, मतलब डेट हमें नंबर्स में ही डालना होगा क्या? मतलब हम मे को एमए वाई नहीं डाल सकते क्या? नहीं, नहीं, इस तरीके से जाएगा सर, ये वाला तरीका, ये नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट, मतलब ये दूसरा है आपका डेट। अच्छा। जो है इंसर्शन के टाइम पे यही फॉर्मेट में जाएगा इनिशियली, बट अगर आपको ये वाला चीज चाहिए इसको हम लोगों को कन्वर्जन फंक्शन लगा के डालना पड़ता है। ओके ओके सर, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास ये वाला डेट है और उन्होंने बोला कि मुझे ना 31 05 05 और वहाँ पे क्या चाहिए 0 02 23 चाहिए, या किसी का रिक्वायरमेंट आता है ईयर पहले दो दैट डे दो दैट मंथ दो आता है, तो उसके लिए वी हैव द वेरियस काइंड ऑफ कन्वर्जन, हम लोग आगे सीखेंगे। बट फॉर नाउ कि आपका डेट जो है ये फॉर्मेट में ही चाहिए। ओके सर। यस सर। अभी भी किसी को कुछ कंसर्न है, कुछ डाउट है तो बोल दीजिए। जो लोग नए हैं उनके पास आपका कोई इंस्टॉलेशन के लिए कुछ नहीं मिला है, वो लोग मुझे कल शायद रोहन आर यू इन कॉल? रोहन आपने सर ना गलत मेल आईडी दिया था, हेलो सर, हेलो बोल रहा हूँ, मेरा इंस्टॉलेशन पार्ट पेंडिंग है, आपने लिंक नहीं भेजा था टेलीग्राम में? अरे एक्चुअली कल मैं बहुत टाइम तक ऑफिस का काम ही कर रहा था। कैन वी डू इट देन यस सर, यस सर, that's a, I think so that's a better way, we will do that on weekend. Snehal Kadam, it's your first session. ऐसा कौन है कि उसको सेटअप के लिए कुछ नहीं मिला? Yes Snehal, that's why I'm asking, it's your first session. Yes sir. Share your mail ID, contact number and name over the chat box. Okay sir. And who is this? Sangeeta Pundkar. Yes sir. Is this your first session or a second session? I think so you didn't get the any mail from me. Second session sir. Can you please share your contact details, like as a mail ID, name and your contact number? Yeah, sure sir. So I will provide the details for the installation. Yeah, okay sir. Okay. Yeah. Anyone who are not getting my mail, anyone? Hello sir. Yes. Yes, Bhavika. सर मैं 13 बैच में थी ना, तो एंडिंग में आई थी इसलिए मैं। आई
actually I had a conversation with your husband. No worry about that. Your installation part is done. Hope so. Okay, तो मुझे फिर से नहीं भेजना पड़ेगा ना ईमेल आईडी? No. I have your details. Okay, thank you, sir. Anyone who are not able to install, अभी देखो installation में ना कुछ दिक्कतें जो है वही part बचा है, so we will cover on that weekend only because we need more time to the do the that kind of configuration, okay? Because आपका system वहाँ पे support नहीं कर रहा है, कुछ framework गलत हो रहे, so we need to find out that solution on weekend. But apart from that, the people who are not done the at least installation, anyone? So is it fine to stop the session? Yes sir. Thank you guys, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.